कॉम ने बड़ा आरोप लगाया है। मैरी कॉम ने कहा है कि ओलंपिक्स आयोजन में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। उनका कहना है कि जो मुकाबला वो हारी है उसका फैसला सही तरीके से नहीं किया गया। मैरी कॉम ने साथ ही साथ कहा कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी फाइट में ऐसा डिसीजन हो सकता है। मैरी कॉम ने यहां तक कह दिया कि ओलंपिक्स में किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, फैसला नहीं बदलेगा, इसलिए मैं हैरान हूं कि ये फैसला आखिर कैसे हुआ। कि कितनी देर पता पहले पता लगा है कि आपको ये बाउट आप हार चुकी है मैरी? मैं जब इंटरव्यू दिया और डोपिंग सेंटर घुसा तब भी विश्वास नहीं हो रहा है मेरे को, और ये मेरे कोच समझा रहा है मेरे को आप जीता है, आप जीता है मींस क्या है, मतलब मैं समझ नहीं रहा। मैं जीता हूँ जीत रही हूँ करके मैं तो ऐसे रहा, और ये समझा रहे बार बार। और बाद में मैंने सोशल मीडिया ट्विटर देखा, किरण रिजिजू सर ने ट्वीट किया, अरे खुद यू नो इतना शॉकिंग हो रही हूँ और इतना अपसेट हो रही हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं ये क्या है, मेरे फाइट में इतना ऐसी यू नो डिसीजन ऐसे हो सकता है, तो मैं क्या बोलूँ, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। और ये उन लोग पहले बोल दिया कि यदि ये ओलंपिक कुछ प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, डिसीजन चेंज नहीं होगा, और यदि बता दिया, और सिर्फ पता नहीं मेरे को, मैं सिर्फ मेरे ऊपर से ऐसे हो जाता है, बहुत कंपटीशन में भी, सिर्फ ये ओलंपिक वाला नहीं है, पिछला वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ऐसे ही हो जाता है। मेरा लग रहा है कि सबसे वर्ल्ड ओलंपिक बहुत बेकार ऑर्गेनाइज है, और मेरे को क्या बोलूं पता नहीं, इधर में अंदर में बहुत अलग अलग चल रहा है।